एक जंगल में बहुत से तोते रहा करते थे, खूबसूरत से तोते, पूरे जंगल को अपने रंग से भर दिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां एक शिकारी आता है और वो तोतों का शिकार करना शुरू कर देता है। वो आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है और तोते उसमें फंस जाते हैं। ये देख तोतों का सरदार दुखी हो जाता है। उसे चिंता होने लगती है कि धीरे धीरे हमारी प्रजाति कम हो जाएगी, हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए उन तोतों का जो सरदार होता है वो एक साधु के पास जाता है, एक संत के पास जाता है और संत से कहता है कि हमारे यहाँ एक शिकारी आता है जो धीरे धीरे सारे तोतों का शिकार कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो संत उससे कहते हैं, तुम अपने सारे तोतों को ये बता दो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तोता यही रटते रटते अपने वापस जंगल में जाता है, अपने दोस्तों को जमा करता है, सारे तोतों को जमा करता है और उनको बताता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। पर सारे तोते यही रटने लगते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और दूसरे दिन जैसे ही शिकारी वहां पहुंचता है, सारे तोते एक साथ बोलने लगते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये सुन शिकारी सकते में आ जाता है और ये समझ जाता है कि तोतों को समझ गया है कि मैं इनका शिकार करने आया हूं। फिर वो दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन भी तोते वही बात रिपीट करते हैं। अब शिकारी को प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि अब मेरा घर कैसे चलेगा अगर इसी प्रकार से मुझे शिकार नहीं मिलेगा। तो फिर वो उसी संत के पास जाता है और उस संत से कहता है कि इस प्रकार से तोते बिहेवियर कर रहे हैं, मैंने क्या करूं। तब वो संत उस शिकारी से कहते हैं कि तुम अपना काम करो, तुम वहां जाओ, जाल बिछाओ, दाने डालो और तोतों को फंसाओ। तो शिकारी कहता है कि तोते तो ऐसा बोल रहे हैं। तो संत कहता है कि तुम अपना कर्म करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो। शिकारी वैसे ही करता है, दूसरे दिन जाता है, वहां पे जाल बिछाता है और दाना डालता है। तोते फिर रटना शुरू करते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और ऐसा रटते रटते सारे तोते उस जाल में आके फंस जाते हैं। उन तोतों को जाल में समेट कर वो शिकारी फिर उन संत के पास जाता है और वहां पर बोलता है कि आज ये कैसे हो गया, जब इन तोतों को पता था कि ये फंसने वाले फिर भी ये कैसे फंस गए। तो संत बोलते हैं, और उनका सरदार भी होता है तोतों का, वहां पर बोलते हैं कि इन्होंने सिर्फ इस वाक्य को रट के रखा था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, लेकिन उन्होंने इस बात का अर्थ नहीं समझा और अपना काम करते रहे। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे ही होता है, हमें बहुत सारी चीजें पता तो होती है लेकिन हमें उसका अर्थ पता नहीं होता और इसलिए हम भी अपनी जिंदगी में गलतियां करते रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब आगे बढ़ना होता है तो हमें हर चीज का अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। हमें तोते समझ लाइफ नहीं जीनी होती है, हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होता है। जिस प्रकार से तोतों ने उस वाक्य का अर्थ नहीं समझा और वो उस जाल में फंस गए, उसी प्रकार से हम भी अपनी जिंदगी में अपनी पुरानी गलतियों से सीखते नहीं और इस प्रकार से जाल में फंसते रहते हैं। कई बार हम किसी चीज को समझे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने जिंदगी में एक बात ध्यान रखो कि जब भी कोई भी चीज सीखो या समझो तो उसके अर्थ को भी समझो और विचारों को अपने जीवन में भी लाओ। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, उसको करना भी पड़ता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।